Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। बीती रात से बारिश रुकी हुई है, हालांकि अब भी कई इलाकों में रेल की पटरियां पानी में डूबी होने की वजह से लोकल ट्रेन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है। लोकल ट्रेनों को सिर्फ चर्च गेट से भायंदर के बीच चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से विरार से मुंबई आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले 24 घंटे में मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। लगातार पिछले चार दिनों से हो रही मुंबई में बरसात से मुंबईकरों को फिलहाल कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हम इस समय खड़े हैं मुंबई के हिंद माता परिसर में और आप देख सकते हैं कि कल शाम तक जो रास्तों पर लबालब पानी भरा था उसकी निकासी हो गई है। फिलहाल जो मुंबईकर हैं अपने दफ्तरों के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए या अपने कॉलेज जाने के लिए निकल चुके हैं और ट्रैफिक की जो स्थिति है वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वो सामान्य रूप से चल रही है। सेंट्रल रेलवे की बात की जाए तो सेंट्रल रेलवे की जो लोकल ट्रेनें हैं वो 5 से 7 मिनट की देरी से चल रही हैं, वहीं वेस्टर्न रेलवे की जो ट्रेनें हैं उन्हें अभी तक चर्च गेट से लेकर भायंदर तक ही चलाया जा रहा है। तो वसई और विरार से जो आने वाले मुंबई आने वाले जो लोग हैं, अपने दफ्तर के तरफ जाने वाले लोग हैं, उन्हें अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ आशीष दीक्षित, न्यूज 18 इंडिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। यही नहीं, बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया और नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे वहां हालात बहुत खराब हो गए। बारिश के बाद रायपुर के तेलीबांधा थाने के बाहर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया, जबकि थाने के अंदर भी पानी घुस गया। हालांकि पुलिस वालों ने थाने के दरवाजे पर एक मेज लगाकर पानी को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी पानी अंदर घुस गया। रात में जो बारिश हुई है उसके वजह से रोड में और रोड की वजह से थाने के अंदर में पानी घुस गया, उसको निकालने की व्यवस्था की जा रही है। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा और लोगों ने शहर के बिगड़े हालात के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। प्रशासनिक को जो चाहिए नाली साफ सफाई करनी चाहिए, वो पहले से नहीं करता। करीब 2 घंटे हुई भारी बारिश के बाद ही शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया और लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल के बाहर एक महिला गार्ड और एक लड़की आपस में मारपीट करने लगी। आरोप है कि अस्पताल के गेट पर तैनात महिला गार्ड ने लड़की से जब गेट पास मांगा तो वो भड़क गई और महिला गार्ड से झगड़ा करने लगी। देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान महिला गार्ड ने लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में लड़की ने भी महिला गार्ड पर हमला कर दिया और उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन महिला गार्ड ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग किया। जब वहां उसको रोका गया तो लड़की ने क्या किया, लड़की ने वो एक लड़की गार्ड थी हमारी, उसको 4 थप्पड़ भी मारा। अस्पताल के बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चीन के फुजान में एक ड्राइवर तब हक्का बक्का रह गया जब 2 टायरों की टक्कर से उसकी कार बुरी तरह से टूट फूट गई। ये टायर एक ट्रक से गिर गए थे जो तेज रफ्तार से कार के बगल से गुजरा, जो उस वक्त सड़क के किनारे खड़ी थी। कार का ड्राइवर अभी उसमें बैठा ही था कि एक ट्रक उसके सामने पहुंच गया। ट्रक के साथ ही उससे गिरे 2 टायर भी सड़क पर तेजी से लुढ़कने लगे। उनमें एक टायर गाड़ी के दाहिने कोने से जा भिड़ा, जिससे वो हिस्सा टूट गया। इस टक्कर के होते ही ड्राइवर कार से बाहर निकल ही रहा था कि दूसरा टायर तेजी से कार के ऊपर गिरने लगा। ऊपर से टायर गिरने से कार की छत पिचक गई। ये टायर सड़क के किनारे एक खंभे से बंधे तार से टकराने के बाद ऊपर उछल गया था। हालांकि उसकी टक्कर से ड्राइवर बचने में कामयाब हो गया। वो हक्का बक्का होकर अपनी गाड़ी का हाल देखने लगा। तब तक कार की छत पर गिरा टायर धीरे धीरे लुढ़कता हुआ सड़क के दूसरे किनारे पर चला गया। दिल्ली में नोवल्टी सिनेमा के पास एक चोर रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ा होकर डांस करने लगा। आरोप है कि इस चोर और इसके साथियों ने मिलकर इलाके की 4 दुकानों में चोरी की और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए, लेकिन चोरी से पहले का एक वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक चोर भी सड़क पर खड़ा होकर डांस करता हुआ दिखा। कुछ देर बाद वो लड़का अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया और सभी लोग मिलकर एक दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करने लगे। चोरों ने एक के बाद एक इलाके की 4 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। 4 शटर है जो तोड़े और कुछ कैश वगैरह था हमारे भी ले गए हैं। चोरी का एक और वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, जिसमें अपना चेहरा ढके 3 चोर एक दुकान के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखे। मॉनसून सत्र को लेकर 17 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई गई। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले 17 जुलाई को केंद्र सरकार ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई।
एनसीपी नेता तारिक अनवर के 2004 की तरह 2019 में विपक्षी पार्टियों के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के फॉर्मूले का शरद यादव ने समर्थन किया। तारिक साहब कह रहे हैं वो एक चुनाव लड़ने का मुकम्मल फार्मूला। खबर है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालते हुए उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई। हालांकि दोनों अभी लंदन में हैं और उनके 13 जुलाई को पाकिस्तान लौटने की संभावना है। सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों पर लगाम लगाने को लेकर व्हाट्सएप में नया फीचर जुड़ेगा, जिसके जरिए फर्जी खबरों और संदेशों की पहचान हो सकेगी। भोपाल में हुलिया बदलकर कई बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले एक बाइक सवार आरोपी को पुलिस ने जल्द पकड़ने का दावा किया। बिहार के कटिहार के एक अनाथालय की एक बच्ची को अमेरिका के रहने वाले एक दंपति ने गोद ले लिया।